हेलो एवरीवन, आज आपके साथ झटपट से बनने वाले कांदा पोहा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह के लिए, नाश्ते के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और ये काफ़ी प्रोटीन और आयरन रिच है और बनाना इसको इतना आसान है कि आपके पास सारी चीज़ें अगर अवेलेबल हो तो एकदम 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। और देखिए कैसे खिले खिले कांदा पोहा बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो वो कांदा पोहा को बनाने के लिए सबसे पहले हमने पोहा या चूड़ा लिया है। ये बहुत बारीक वाला नहीं है और ना ही बहुत मोटा वाला है। तो देखिए इस तरह का पोहा लिया है हमने और इसको हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे वॉश कर लिया है, अब देख सकते हैं। वॉश करने के बाद हमने पानी अच्छे से ड्रेन कर दिया है इसका और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अभी नमक डाल रही हूँ, नमक इसमें बाद में भी जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड किया है, 1/4 चम्मच के करीब, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा प्याज कट कर लिया है, तो बहुत बारीक नहीं काटे प्याज को, देखिए इस तरह से काटा है और इस तरह से फिर से हमने इधर से भी काट दिया है। तो इस तरह से ऐसे प्याज काटेंगे तो क्रंच इसका बना रहेगा। थोड़ा सा काजू को 2 टुकड़ों में काट लिया है। पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, तो यहाँ पे मैं मूंगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल को गर्म किया है और ऐड कर देंगे इसमें मूंगफली। मूंगफली डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। ऐड करेंगे 1 चम्मच चने की दाल और साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच उड़द की दाल और डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जिस सीक्वेंस में मैं डाल रही हूँ चीज़ें उसी सीक्वेंस में डालें तो परफेक्टली पक के तैयार हो जाएगी बाद में। साथ में इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा और इन दोनों को चटकने के लिए देंगे। तो सबका कुकिंग का टाइम अलग होता है, इसी तरह से अगर आप डालें तो सब चीज़ें इकट्ठे पक के तैयार हो जाएंगे। और लास्ट में हम इसमें काजू डालेंगे। यहाँ गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल लो पे कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूंगफली भी भुन गई है और जो दालें हमने डाली थी वो भी सुनहरा सा हो गया है। यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दिया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, तो 20 से चीरा लगा के डाला है और साथ में जो प्याज काट के रखा था उसे डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज का हमें कलर नहीं चेंज करने के लिए देना है, हल्का सा ही पकाना है। ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा ग्रेट करके अदरक, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो यहाँ पर अदरक नहीं भी डाल सकते हैं। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और साथ में इसमें हम डालेंगे करी पत्ता। थोड़ा सा भून लेंगे और लीजिए ये मसाला लगभग हमारा तैयार हो गया है। नमक हमने पोहा में भी डाला है इसलिए अंदाज से इसमें अभी प्याज के बराबर मैं नमक डाल रही हूँ। ऐड कर देंगे जो पोहा भी हमने सोख करके रखा था, नमक हल्दी मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे ही रखना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ढक्कन लगाएंगे और 2 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। तो बस इसमें अच्छा सा स्टीम आना चाहिए, तब तक इसको आपको पकाना है। तो देखिए पोहा से अच्छा स्टीम आ रहा है और यानी कि पोहा अच्छे से यहाँ पे पक गया है। एक से दो बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। और नींबू का रस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगा के 1 मिनट का रेस्ट देंगे। और लीजिए ये कांदा पोहा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। देखिए कितने खिले खिले से कांदा पोहा बनकर तैयार हुए हैं। और बस ऊपर से आपको थोड़ा सा सेव भुजिया है अगर तो उसे गार्निश कीजिए और एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी और इजी सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट में ज़रूर बताइए रेसिपी कैसी लगी। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसी कुछ खास रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।